नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी की नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में कुल 5 यूनिट हैं और 22 चैप्टर हैं, जिसको बारी बारी से हम लोग वीडियो के माध्यम से वापस में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले यूनिट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से ये देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड्स और नॉन लिविंग वर्ल्ड्स दोनों में क्या अंतर होता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। देखिए, बायोलॉजी इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले थॉमस ब्रेडॉस, कार्ल फेल्डरिश, ट्रिवेनस और लेमार्क ने किया था। इसमें सबसे ज़्यादा हमें लेमार्क याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा लेमार्क ने दिया था। देखिए, जो बायोलॉजी जो होता है यह साइंस की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जीवन के विभिन्न रूपों और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ दो चीज़ याद रखिएगा, लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस। ठीक है, जो आदि मानव था यानी प्राचीन काल में जो मानव थे वो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में अंतर कर लेते थे, और उनका जो जो अंतर करने का जो आधार होता था वो सर्वमान्य था। वो मुख्यतः डर से, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जिज्ञासा में आके ये डिफरेंस करते थे एनिमेट और इनएनिमेट का, जिसका मॉडर्न बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। तो देखिए, इस यूनिट में जो हम लोग का मेनली जो होगा डिस्कशन जो होगा वो मेनली टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन पे होगा। हम लोग यहाँ पे जो किस तरह से जीवों का उद्भव हुआ, फिर उसके बाद वो उद्भव के आधार पे, मतलब इवोल्यूशन के आधार पे दोनों सारे जीव जो हैं किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यही सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक महान वैज्ञानिक का भी नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नस्ट बेयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, इन्होंने सबसे पहले स्पेसीज शब्द का प्रयोग किया था। टर्म स्पेसीज जो दिया था अर्नस्ट मेयर ने ही दिया था, तो इसलिए अर्नस्ट मेयर थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अर्नस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है। ठीक है, डार्विन ऑफ द 20th century, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्नस्ट मेयर 5 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ था, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से संबंधित काफ़ी काम किया था। और इसके अलावा इनको जब ये रिटायर हुए 1975 में, तो इन्हें टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगासीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। ये बहुत प्रेस्टिजियस एक तरह से टाइटल होता था, ये इन्हें प्रोवाइड किया गया था 1975 में, जब इन्होंने अपनी 80 साल की सेवा मतलब ख़त्म कर ली थी, तो इन्हें ये टाइटल से देकर इन्हें सम्मानित किया गया था। ये देखिए, अर्नस्ट मेयर जो है ये सब 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका नाम आता है, जो टॉप के 100 साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, उनमें इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने प्राइज हासिल किया है, जिसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इसमें जो पहला इनका था बेल्जियन प्राइज 1983 मिला था, फिर इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी 1994 में, क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999 में मिला था। 2004 में 100 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इनका याद रखिए। इन वैज्ञानिक ये क्वेश्चन जो है नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पहला चैप्टर प्रारंभ करते हैं।
इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे लिविंग बीइंग पाए जाते हैं। आपको चारों तरफ, चाहे ज़मीन हो चाहे समुद्र हो, आपको तमाम तरह की बायोडाइवर्सिटी दिखाई देगी। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्न प्रकार की स्पीसीज, कई तरह की स्पीसीज। कहीं आपको उछलते हुए घोड़े दिखाई देंगे, कहीं पे आपको वैली या फ्लावर दिखाई देगा, कहीं आपको शार्क दिखाई देगा। इस तरह से तमाम तरह की आपको बायोडाइवर्सिटी इस पूरी दुनिया में दिखाई देगी। तो ये चीज़ें वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है कि आखिर क्या चीज़ है, आखिर ये लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग क्या चीज़ होता है, क्यों होता है। तो यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक टेक्निकल प्रश्न बनता है और दूसरा फिलोसफिकल प्रश्न बनता है। तो हमें फिलोसफिकल क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग साइंस की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग टेक्निकल पे ही ज़्यादा जोर देंगे कि लिविंग बींग क्या होता है। ठीक है, देखिए जो लिविंग बींग होता है वो, उसके कुछ पर्टिकुलर करेक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ इनमें पाए जाते हैं। नॉन लिविंग बींग में वो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट टू सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ लिविंग बींग में पाई जाती हैं, ये नॉन लिविंग बींग में नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि जो लिविंग बींग होते हैं उनके क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। पहली चीज़ तो ग्रोथ होना चाहिए लिविंग बींग में, यानी कि पहला लक्षण उसका है कि उसमें वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, यानी उनके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने जैसे संतति को बना सके, अपने जैसे संतानों को उत्पादित कर सके, बना जन्म दे सके। तीसरा मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब वो सारी रासायनिक क्रियाएं जो जीवों के अंदर उनके जीवन को चलाने के लिए होती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, और चौथी चीज़ कॉन्शियसनेस, मतलब इन्वायरमेंट के प्रति उनके अंदर प्रतिक्रिया करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे बढ़ते हुए टेम्परेचर में, घटते हुए तापमान में। ठीक है, मतलब उसके प्रति उनके अंदर संवेदना होनी चाहिए, लाइट के प्रति संवेदना होनी चाहिए। वो अगर रात को देख के पहचान जाए कि रात हो चुकी है, प्रकाश हो चुका है, तापमान बढ़े तब भी उनके अंदर संवेदना होनी चाहिए, यानी बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसके प्रति उनके अंदर रिएक्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए जो ग्रोथ होता है, इससे पहला टॉपिक हम लोग ग्रोथ पे चलते हैं। जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से होता है, जब सेल में डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगा। और सेल डिवीजन जानते ही हैं, दो तरह से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस की वजह से विशेष रूप से लिविंग बींग में वृद्धि होती है। ठीक है, और ये सेल डिवीजन करता क्या है, सेल डिवीजन से जो पहली चीज़ तो जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनकी वृद्धि होती है। दूसरी चीज़, जो भी टूट फूट हो जाती है, जो सेल्स डेड कर जाते हैं या लॉस कर जाते हैं या इंजरी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, उनकी जगह पे नई सेल्स आती है। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए जो ग्रोथ होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हैं, इनविट्रो कल्चर में देख सकते हैं। इनविट्रो कल्चर का मतलब होता है कि लैब में इनविट्रो और इनवाइवो। इनविट्रो का मतलब होता है कि आउटसाइड द नेचुरल कंडीशन। यदि आप लैब में कोई चीज़ करते हैं तो वो इनविट्रो कहलाता है, लेकिन जब वो लिविंग बींग के अंदर होता है, लिविंग बींग के द्वारा होता है, तो उसको इनवाइवो बोलते हैं, इनवाइवो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है। ठीक है, सेल डिवीजन के द्वारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो देखिए ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो मास इंक्रीज करता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान बढ़ता है। दूसरी चीज़, सेल का नंबर बढ़ता है, यानी टोटल मास में इंक्रीज होता है और उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, और इसके द्वारा दो तरह के सब्सटेंस सिंथेसाइज होते हैं। पहला तो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस होते हैं, जिसमें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है,
और दूसरा एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस होते हैं, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं लेकिन सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए ग्रोथ एक इन यूनिवर्सल प्रोसेस है लिविंग बींग में, ये प्लांट में पूरे लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ स्पेन तक जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक ग्रोथ होता रहता है, लेकिन एनिमल के केस में सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। देखिए कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग भी होते हैं जहाँ पे ग्रोथ पाया जाता है, जैसे कि माउंटेन्स, ठीक है, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, इनमें भी ग्रोथ होता है, लेकिन इनका ग्रोथ जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है और रिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट की ग्रोथ तथा जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ में डिफरेंस होता है। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे संतति को पैदा करना, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यूनीपेरेंटल, मतलब एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और उसमें दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, मतलब मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, जब ये दोनों मिलेंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो फंजाई का केस देख लीजिए, फंजाई में स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग के द्वारा होता है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक अनेक करेक्टर होता है लिविंग बींग का, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ केमिकल, दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस साइज फंक्शन एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इन टू द सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब तमाम तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं और वो बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा बायोमॉलिक्यूल में चेंज होते हैं, ठीक है। किसी भी लिविंग बींग में एक साथ हजारों की संख्या में मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलती है, ठीक है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस जो होता है इसमें सिंथेसिस होती है और कैटाबॉलिक प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है, बाहर सेल के बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अगर सेल के बाहर उस तरह के रिएक्शन आप लैब में कराते हैं तो उसको हम लिविंग रिएक्शन कहेंगे, न कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, बात समझ आ रही है। देखिए जब एनाबॉलिक प्रोसेस तेज़ होता है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से, यानी कि सिंथेसिस की प्रोसेस तेज़ होती है और डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस स्लो होती है तो ग्रोथ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जब एनाबॉलिक प्रोसेस इज़ ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म देन ग्रोथ आर टेक प्लेस, लेकिन जब एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस बराबर हो जाता है तो ग्रोथ रुक जाती है। अगर ये मान लीजिए कैटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गया, तो ग्रोथ डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, बॉडी का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बात है कि नो लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। यानी कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं तो ये तो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। यानी कि अगर इन विट्रो मतलब लैब में हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं, जो कि जिस तरह का सेल में होता है उस तरह को हम लैब में कराएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग रिएक्शन कहते हैं। अभी हम लोगों ने इसको अभी अभी डिस्कस किया है, ये यहाँ पे देखिए लिविंग रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अगर सेल के बाहर होता है तो उसको लिविंग रिएक्शन कहा जाता है।
देखिए नेक्स्ट करेक्टर लिविंग बींग का होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस होना लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है। और ये कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज। अगर बॉडी जो है बाहरी वातावरण परिवर्तन के प्रति अपना रिएक्शन दिखाती है तो उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे अगर देखिए जो डॉक्टर होते हैं वो डेथ का डिसीजन ही कॉन्शियसनेस के आधार पर करते हैं। जब तक ब्रेन डेथ नहीं होता तब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ हो गई है। अब उसको कैसे वो रिकॉग्नाइज करता है ब्रेन डेथ को? ब्रेन डेथ को रिकॉग्नाइज करने के लिए डॉक्टर क्या करता क्या है कि जो जो बॉडी होती है जो व्यक्ति होता है उसकी आंखों को खोलकर उस पर लाइट जलाएगा, उस पर प्रकाश डालेगा। अगर उसकी रेटिना के जो मसल्स सेल्स होते हैं जो उसकी पिपल्स होती है वो अगर रिएक्ट करती है, जो उसके कॉर्निया जो होती है कॉर्निया के जो सेल्स होते हैं उसकी जो मसल्स होती है अगर वो रिएक्ट करती है तो इसका मतलब ब्रेन काम कर रहा है। अगर वो रिएक्ट नहीं करती है तो वो काम नहीं कर रहा। आपने देखा होगा, आप कभी ध्यान से देखिए अपने जो कॉर्निया होता है वो प्रकाश, जब आप प्रकाश में जाएंगे तो वो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, जब आप अंधेरे में जाएँ तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, तो हमेशा वो रिएक्शन करता रहता है। तो इसी के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं। तो कॉन्शियसनेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, करेक्टर होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है। देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इन्वॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल टू रिस्पॉन्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो मतलब ये यहाँ पर ये बताया गया है कि इस पैराग्राफ में कि बायोलॉजी जो होता है वो हम बायोलॉजी में जो लिविंग बींग अर्थ पे पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका सेक्शन है प्रॉपर्टी जिसमें हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें मैंने आपको बताया कि ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिक क्रियाएँ होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ये चार चीज़ें अवश्य रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होनी चाहिए, तभी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लिविंग बींग माना जाएगा, अन्यथा नहीं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।